लेकर भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के बीच अब नरमी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने भी ऐलान किया है कि यदि भारत और चीन के बीच विवाद ज्यादा बढ़ता है या युद्ध और संघर्ष जैसे हालात बनते हैं तो अमेरिका की सेना भारत का साथ देगी। कानपुर एनकाउंटर की जांच यूपी पुलिस के एसटीएफ को सौंपे जाने पर शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा के परिवार वालों ने सवाल उठाया है। देवेंद्र मिश्रा के भाई का कहना है कि एसटीएफ डीआईजी खुद इस मामले में संदेह के घेरे में है तो वो खुद इस मामले की जांच कैसे कर सकते हैं। भारत बायोटेक ने आईसीएमआर के साथ मिलकर कोरोना की वैक्सीन यानी कोवैक्सीन तैयार की है, जिसकी क्लिनिकल ट्रायल देश के कई संस्थानों में शुरू भी हो चुका है, लेकिन दिल्ली में एम्स ने ट्रायल के लिए प्रोटोकॉल में बदलाव की बात कही है। कानपुर के शेल्टर होम केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा है। गौरतलब है कि कानपुर के शेल्टर होम में 50 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। देश में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में 24,248 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,00,000 के पार हो चुकी है। मध्य प्रदेश से भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब उनके पीए अनिल मिश्रा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गौरतलब है कि अनिल मिश्रा 2 जुलाई को ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भोपाल आए थे, जिसके बाद वे राजभवन से लेकर सीएम हाउस और भाजपा कार्यालय में करीब 1,000 लोगों के संपर्क में आए हैं। सोमवार को अनिल मिश्रा ने बताया कि रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, हालांकि उन्हें थोड़ा सा बुखार आ रहा है और कोई समस्या नहीं है। राजधानी भोपाल में नगर निगम की टीम ने मास्क चेकिंग के नाम पर एक बाइक सवार युवक के साथ अभद्रता की है। नगर निगम के कर्मचारियों ने युवक की कॉलर पकड़कर उसे बाइक से खींचकर उतार दिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में अभी 2 दिन का और समय लग सकता है। 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल वापस आए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में अभी 2 दिनों का होमवर्क और करेंगे। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर हो रही देरी को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि ये सौदे की सरकार है, विभागों के बंटवारे में भी सौदा हो रहा है।